फैट लॉस अचीव करने से ज़्यादा मुश्किल होता है उस अचीव फैट लॉस को सस्टेन करना। अब हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जो अचीव फैट लॉस को सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों ने वो फैट लॉस अचीव करने के लिए बहुत सारी फैट डाइट्स, बहुत सारे एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट या फिर इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा क्रैश डाइट्स होती हैं वो फॉलो करी हुई होती है। अब इन डाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये आपको एक बार तो फैट लॉस अचीव करवा देते हैं लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म ये काम नहीं करते, आप इन डाइट्स को सस्टेन नहीं कर सकते। तो आज हम लोग ऐसी ही कुछ एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट्स, फैट डाइट्स डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इनको तीन तरह की कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी है आपकी जिसके अंदर हाई फैट और लो कार्ब्स होंगे, दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर लो कार्ब्स और हाई फैट होगा, और तीसरी कैटेगरी जिसके अंदर ओवरऑल कैलोरीज बहुत ज़्यादा लो। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहली डाइट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी हाई फैट और लो कार्ब वाली। अब इस डाइट के अंदर क्या होता है, हम लोग जो है फैट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। करीब 60% के आसपास आपका फैट रखा जाता है और कार्ब्स का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा लो, करीब 100 ग्राम के आसपास जो है तो हम कार्ब कंज्यूम करते हैं एक दिन के अंदर। इस डाइट के कुछ फ़ायदे जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए ठीक रहती है। मेनली इस डाइट, ये डाइट वर्क कैसे करती है, ये प्रमोट करती है कीटोसिस। कीटोसिस से आपका फैट मोबिलाइजेशन होता है जिससे ओवरऑल फैट आपका कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके पीछे भी साइंस वही है, क्योंकि आप कार्ब नहीं खा रहे हैं तो आपका ओवरऑल कैलोरी जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। आप कार्ब्स नहीं ले रहे, उनसे जो आने वाली कैलोरीज आपको नहीं मिल रही जो कि आपका फैट लॉस प्रमोट कर। इस डाइट के अंदर जो हम अर्ली फेज के अंदर वेट लॉस करते हैं दैट इज़ ड्यू टू वाटर वेट लॉस। हम लोग उसके अंदर अपना वाटर वेट लॉस करते हैं। ये डाइट भी मेनली जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के ऊपर काम करती है। आप कार्ब्स नहीं ले रहे, एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस प्रमोट होता है। एक स्टडी जिसका नाम था द प्रोस्पेक्टिव अर्बन एपिडेमियोलॉजी स्टडी, उसके अंदर यह देखा गया कि इस तरीके की जो हाई फैट वाली डाइट्स होती हैं आपकी, वो टोटल मोर्टेलिटी रेट और आपका नॉन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोर्टेलिटी रेट जो है उसके अंदर रिडक्शन आता है। अब इस डाइट के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो इस डाइट के अंदर क्योंकि कार्ब्स कम है, मतलब आप फ्रूट वेजिटेबल इस टाइप की चीज़ें जो है वो कम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कम कंज्यूम कर रहे हैं मतलब आपकी बॉडी में कम फाइबर जा रहा है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा इसके अंदर देखा गया कि आपकी बॉडी जो होती है वो एक टॉक्सिक लेवल पर पहुंचती है। इसके अंदर आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब आपकी बॉडी जो है एक टॉक्सिक स्टेट के अंदर है जिसके अंदर बॉडी जो होती है फ्री रेडिकल्स रिड्यूस करना शुरू करती है। वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज में होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली आपका टाइप 2 डायबिटीज़ का कॉज बन सकता है। साथ ही साथ इस डाइट के अंदर सस्टेनेबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया के अंदर ऐसी हाई फैट डाइट जो है वो मेंटेन करना इजी नहीं है। हमारी जो डाइट होती है उसके अंदर ज़्यादातर कार्ब्स ही होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फैट वाली डाइट आप बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर लेंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल है। हालांकि कई लोग कर लेते हैं लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब आते हैं हम लोग अपनी दूसरी डाइट पे जो कि आपकी लो फैट और हाई कार्ब वाली डाइट। इसके अंदर हम लोग जो होता है वो फैट का परसेंटेज सिर्फ 11 से 19 तक रखते हैं अगर आप लो फैट डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर आप वेरी लो फैट डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फैट का परसेंटेज होता है वो 10% से भी नीचे चला जाता है। इसके अंदर हम लोग ज़्यादा कार्ब कंज्यूम करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स इस तरीके के फूड आइटम्स ज़्यादा कंज्यूम करे जाते हैं। इस टाइप की जो डाइट्स होती है उसके अंदर कार्ब्स का परसेंटेज होता है वो यूजुअली 60-70% के आसपास रहता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका बेनिफिट ये है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब जिसको हम LDL बोलते हैं, वो डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। दूसरा बेनिफिट इस डाइट का ये है कि एक हाई कार्ब डाइट आपको वेल रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तीसरा फायदा इसका यह है कि इसको सस्टेन करना बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स इंडिया के अंदर रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर डाइट जो होती है स्पेशली वेजिटेरियन डाइट जो है आपकी वो कार्ब के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो एक कॉमन मैन भी बहुत ईजिली इस डाइट को बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। इस डाइट के कुछ डीमेरिट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस हाई कार्ब और लो फैट वाली डाइट के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इसके अंदर फैट को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर गुड फैट नहीं जा पाता और एंड अप करते हैं आप बैड फैट कंज्यूम करके किसी ना किसी हालत में। साथ ही साथ ये कि देखा गया कि आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो उससे ड्रॉप हो जाता है, और साथ ही साथ इंसुलिन लेवल जो होता है आपका, ब्लड इंसुलिन लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपनी तीसरी डाइट के ऊपर जो कि होती है आपकी वेरी लो कैलोरिक इंटेक वाली डाइट, जिसके अंदर हम लोग कैलोरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। करीब 800 से 1000 कैलोरीज होते हैं कंज्यूम कर रहे होते हैं। इस डाइट के अंदर हम लोग प्रोटीन जो होता है लीन प्रोटीन कंज्यूम करके अपना बॉडी का जो लीन मास है उसको प्रिजर्व करने के, अपने मसल प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। इस डाइट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इस डाइट के अंदर कैलोरीज बहुत कम है तो आप बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिस कर देते हैं, बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। दूसरा, इस तरीके की डाइट में ये भी देखा गया है कि इससे आपका जो सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन जो होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए किसी भी हालत के अंदर अच्छा नहीं। ऐसी डाइट भी सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो और बहुत
लॉन्ग रन में आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो इससे जो होने वाला फैट लॉस होगा उसके अंदर आप बहुत सारा अपना मसल वेस्ट कर दोगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मसल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसे मसल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या सही अप्रोच है वेट लॉस करने की। तो एक वेट लॉस करने के लिए जो सही अप्रोच होती है वो होती है आपकी एक बैलेंस डाइट प्लस एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है और एक बैलेंस डाइट भी मेंटेन करनी पड़ती है। बैलेंस डाइट के अंदर एक स्लाइट सा हम लोग जो होता है अपनी कैलोरीज के अंदर डेफिसिट रखते हैं, बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं रखा जाता। कई लोग 1500 कैलोरीज जल्दी जल्दी वेट कम कर लेते हैं, तो वैसा नहीं करा जाता। अभी एक बहुत ही स्लाइट से डेफिसिट से शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी जो है वेट लॉस करना शुरू करते हैं। साथ ही साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सरसाइज करी जाती है ताकि आप अपना जो मसल मास है उसको प्रिजर्व। तो इस चीज़ से कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी बातों से? ये कंक्लूजन निकलता है कि आपकी जिस तरह की जो फैट डाइट्स होती है, जो एक्सट्रीम वेट लॉस वाली डाइट्स होती हैं, ये हर किसी के लिए नहीं होती। शायद किसी के ऊपर एक काम कर जाए लेकिन हर इंसान के ऊपर एक काम नहीं कर सकती। काम करती भी है तो आप एक इसे लॉन्ग रन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इस आपको फैट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और साथ ही साथ न्यूट्रिशन की काउंसलिंग, इन तीनों की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको शेयर करें, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस तरीके की डाइट फॉलो करने वाले हैं या फिर इस तरीके की डाइट फॉलो करते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।